बिल्कुल 10% आरक्षण देकर कई मसलों पर सवर्णों को साथ जोड़ने की कोशिश यहां पर बीजेपी ने की है। एट्रोसिटी एक्ट पर जमकर बवाल हुआ, उसको लेकर जो नाराजगी थी ऐसा माना जा रहा है कि उसको भी कुछ हद तक न्यूट्रलाइज करने की कोशिश इस फैसले के जरिए की गई है। अजय, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन बाकी सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, सुदीप बने हुए हैं, शैलेंद्र बने हुए। सुदीप, कल से आज तक बहुत कुछ आपने लोगों से बात की होगी, जनता के बीच गए होंगे, राजनीतिक दलों से बात की होगी, क्या कुछ अब रिएक्शन आ रहे हैं? देखिए प्रशांत, छत्तीसगढ़ जो है वो पिछड़ा बहुल क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर ST/ST की संख्या बहुत ज्यादा है और OBC की संख्या बहुत ज्यादा है सवर्णों के मुकाबले। सवर्णों का जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के क्षेत्र में है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इनकी तादाद बहुत ज्यादा मानी जा सकती है बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा। जो फैसला आया है उसका वाकई में यहाँ पे लोग स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में ही जो सवर्ण समाज से आते हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, हम उनसे कल बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो उनका साफ तौर से ये कहना था, कल जैसे मंत्री रविन्द्र चौबे हैं और कुछ विधायकों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि हमारे पार्टी का नेशनल लेवल पर स्टैंड नहीं आया है, यानी उसके बाद वो कुछ बातचीत करने की स्थिति में आएंगे। यानी इससे साफ है कि इस पर पूरी जो ये मास्टर स्ट्रोक मोदी ने खेला है, इसका पूरा जो असर है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर है और शीर्ष नेतृत्व ये कोशिश कर रहा है कि इसको किस तरीके से जो है इसका जवाब दिया जाए, तो उसी का इंतजार यहाँ के छोटे लेवल। सुदीप, मैं आपके पास आऊंगा, सभी मेहमान बने हुए, लेकिन इस वक्त एक